हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम ऋषभ और मैं आज बात करने वाला हूं आपसे फोर्ड इकोस्पोर्ट के फेस टू मॉडल के बारे में। कुछ नई फोटो सामने आए, लॉन्च डेट किया, हमें थोड़ी सी आइडिया लगा है तो सोचा आपके साथ एक अपडेट ये शेयर कर दूं। है तो छोटा सा अपडेट, और छोटे अपडेट वीडियो से पहले इंस्टाग्राम पर आते हैं तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर कर लें और सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। बात करते हैं इसी इकोस्पोर्ट के बारे में। तो ये एक नया जनरेशन नहीं बल्कि फेस टू मॉडल है जहां पर फोर्ड को एक नई इकोस्पोर्ट निकालनी चाहिए, वहां पर अभी भी वो पुरानी में ही थोड़ी सी छेड़छाड़ करके दोबारा से आपके सामने वही रख देते। आई रियली होप फोर्ड जल्दी से कुछ नया लेके आए, बट दिस इज द इको स्पोर्ट। यहाँ पर जो फेसलिफ्ट मॉडल आ रहा है, यहाँ पर आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ग्रिल कम्प्लीटली चेंज कर दी गई है एंड उसके आसपास आपको क्रोम का काफ़ी अच्छा काम देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ देखेंगे तो फ्रंट बम्पर पे फॉक्स उन्होंने एयर वेंट्स भी दिए हैं थोड़ा स्पोर्टी डिज़ाइन के लिए, और लाइट की अरेंजमेंट्स चाहे LED DRL हो, फॉग लैम्प्स हो या हेडलाइट भी थोड़ी बहुत ही चेंजेस वहाँ पर किए गए हैं। थोड़ी डिफरेंट लगती है, साफ पता लगता है कि पिछली इको स्पोर्ट नहीं है, लेकिन ऐसे हम बोलें कि कोई बहुत नया कोई चेंज है ऐसा है नहीं। बट आई रियली रियली विश, और अगर फोर्ड वाले देख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ नए प्रोडक्ट्स इंडिया में लेकर आए प्लीज़। आपके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं बट हमें और नए प्रोडक्ट्स चाहिए। फोर्ड इकोस्पोर्ट में फ्रंट की साइड तुमने बता दी, साइड में ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ अलॉय व्हील्स में आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अलॉय व्हील्स मुझे पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं वैसे सही बताऊँ तो, और बैक साइड पे भी आपको ऐसा कोई फ़र्क नहीं। टायर अभी भी बाहर होगा और टायर बाहर ही अच्छा रहता है इकोस्पोर्ट का। वो SE मॉडल वाला तो मुझे तो पसंद नहीं आया, आप नीचे कमेंट करके बताएं टायर बाहर या टायर नीचे दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। अगर हम बात करें इसके इंटीरियर में तो पोस्ट्री चेंज की करी जाएगी, लेकिन फीचर वाइज ऐसा कोई फ़र्क नहीं आएगा। वैसे स्टीयरिंग व्हील, वही टच स्क्रीन, वही फीचर्स, आपको वही एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और सनरूफ, और जो फन रूफ है बेसिकली छोटी वाली सनरूफ, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अपहोस्ट्री में सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होंगे कि इसकी लेदर जो सीट्स हैं उसको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, फैब्रिक को और लेदर को। उसके अलावा इंजन्स में भी किसी तरह का कोई चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वही होंगे इसके 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल जो कि ऑटोमेटिक के साथ भी आता है, 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक, और 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन टर्बोचार्ज। आपको दोनों ही अच्छे पावर जनरेट करते हैं, दोनों काफ़ी फन टू ड्राइव एलिमेंट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। थोड़ी थोड़ी प्राइस ज़्यादा है इको स्पोर्ट की, यहाँ पर मैं प्राइस चार्ट भी लगाया था, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अभी प्री फेसलिफ्ट मॉडल में तो कंपनीज थोड़ी बहुत डिस्काउंट्स भी दे रही है। तो इको स्पोर्ट लेना चाहते हैं तो देख जरूर लें, मैं ही नहीं कहूँगा खरीद लें, बट कंसिडर ज़रूर कर लें इस सेगमेंट में अगर आप कोई देख रहे हैं तो। प्राइस और सेगमेंट की यहाँ पर बात करें तो प्राइस वाइज इसकी जो प्राइस है वो पहले से आई डोंट थिंक सो बढ़ाई जाएगी, बढ़ाएंगे तो फोर्ड की तरफ से बहुत गलत हो जाएगा। और आनी कब है? दिवाली के आसपास, और दिवाली के पास ये अकेली गाड़ी नहीं है जो लॉन्च हो रही है इस सेगमेंट में। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा भी लॉन्च होने वाली है, और कहीं ना कहीं र्यूमर्स हैं कि सिट्रॉन की जो SUV आनी है वो भी शायद दिवाली तक कर दें, पर मुझे पर्सनली लगता है कि वो 2022 तक डिले हो चुकी है और हो जाएगी। और वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है डेफिनेटली, बट उसकी भी मार्केट उतनी नहीं है, सर्विस स्टेशन और शोरूम्स का इशू है, पर गाड़ी डेफिनेटली वो अच्छी होगी। ब्रेजा के जो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल है उससे मेरी काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन है। फोर्ड इकोस्पोर्ट का कंपटीशन डायरेक्ट उसके साथ होगा क्योंकि दोनों आसपास लॉन्च होने वाली हैं, प्लस बाकी वो किया सोनेट, महिंद्रा XUV300, आपको टाटा नेक्सॉन, होंडा WRV, ह्यूंडई वेन्यू, किया सोनेट, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, इन सब के साथ इसका कंपटीशन होगा। इस सेगमेंट में काफ़ी सारी गाड़ियां आ जाती हैं, कुछ रह गई हैं तो नीचे कमेंट वो भी आप कर सकते हैं। ये था एक छोटा सा अपडेट फोर्ड इकोस्पोर्ट नई फेसलिफ्ट के बारे में। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पे अगर यूट्यूब पे इतनी लंबी वीडियो नहीं देखनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, वीडियो यहां से पहले इंस्टाग्राम पर आती है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।